क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन हम पढ़े थे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन तीन तरह का होता है, एक होता है फ्री ऑसिलेशन जो SHM होता है, स्पेशल केस में जाके SHM होता है, एक होता है फोर्स ऑसिलेशन, एक होता है डैम्प ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन और डैम्प ऑसिलेशन कभी SHM नहीं होते हैं। तो फोर्स ऑसिलेशन या फोर्स वाइब्रेशन जब होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें एक फोर्स वाइब्रेशन में एक स्पेशल केस आता है जिसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। जैसे एक बच्चा अगर झूला झूल रहा है, यहाँ पे समझना, एक बच्चा यहाँ झूले का मजा ले रहा है, तो अगर ये एक बार इसको मैं वैक्यूम में झुला दूँ तो वो होता है फ्री ऑसिलेशन। अब एक बार वो कभी फ्री ऑसिलेशन एक बार हो गया तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा यार, आइडियल है। फोर्स्ड ऑसिलेशन एक बार नहीं, ये डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है, ये बच्चा एयर में झूला झूल रहा है तो वो डैम्प है, कुछ टाइम बाद जाके रुक जाएगा। फोर्स ऑसिलेशन होता है जितनी एनर्जी बर्बाद हो रही है उतना बार इसके पेरेंट्स धक्का दे रहे हैं, झूला इसको झूला रहे हैं ऐसे। तो दो ऑसिलेशन, एक पेरेंट्स का ऑसिलेशन और एक बच्चे का ऑसिलेशन। तो अभी जो क्वेश्चन है वो फोर्स ऑसिलेशन पे, एक बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि ये इतना इनकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करे तो रिजोनेंस हो जाता है, एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब आप थ्योरी में पढ़े होंगे, बट मैं थोड़ा सा बताना मेरी जिम्मेदारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। फोर्स ऑसिलेशन होगा तो डैम्पिंग कैसा होगा, अब सोचो कि ये बच्चा हवा में झूला झूल रहा है तो डैम्पिंग फोर्स कम होगा, अगर इसको मैं पानी में झूला झूलाऊँ वाटर में या हनी में तो डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड कम होगा। और आप एक सुंदर सा ग्राफ ये भी पढ़े होंगे कि एम्पलीट्यूड वर्सेज फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का ओमेगा, ऐसे कुछ ग्राफ पढ़े होंगे। ये देखो इसका एम्पलीट्यूड जो लोएस्ट वाला है इसका एम्पलीट्यूड सबसे कम है, हाई डैम्पिंग फोर्स है, हाई डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा लग रहा भाई। और ये शार्फ है पीक, इसमें लो डैम्पिंग फोर्स है, रजिस्टिव फोर्स अपोज करने वाला कम है। तो जब डैम्पिंग फोर्स कम होता है तो ये ग्राफ पीक ऐसे कर्व आता है, तो डैम्पिंग फोर्स स्मॉल होता है तभी शार्फ कर्व आता है। ए ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, ये कहता